गल सुन मेरी तू मुटियारे की समझे अपने मेरे मगर तू की कर दी ऐ गल बस। तो हाँ जी, वेलकम बैक टू दैट्स फिल्टर यूट्यूब चैनल। तो गाइज, यदि आप भी अपने इमेज के साथ इस तरह का स्टूडियो स्टूडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी आसानी से। बस आपको इसके लिए करना कुछ नहीं है, वीडियो को बिना स्किप किए आसानी से वीडियो को एंड तक देखते जाना है बिना स्किप किए। एंड गाइज, आपको करना क्या है, वीडियो को एक लाइक कर देना है प्यारा सा सबसे पहले तो। एंड आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपका आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे गाइज। एंड वीडियो पर कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले यार आपको काइनमास्ट को ओपन करना है और यहाँ पर प्लस पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। एंड देन उसके बाद आपको एस्पेक्ट रेशियो 9:16 ऐड करना है ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे क्रिएट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद क्रिएट पर क्लिक करके बैकग्राउंड ब्लैक कलर का इमेज ऐड कर लेना है। तो यहाँ इसको इनक्रीज कर दिया मैंने। इसके बाद लेयर पर क्लिक करना है। जैसे लेयर पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ मीडिया पर सबसे ऊपर क्लिक करके आपका इमेज ऐड कर लेना है। तो ये मैंने ऐड कर लिया है। इसके बाद इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने ये इंक्रीज कर दिया है इसका ड्यूरेशन को जहाँ तक बैकग्राउंड इमेज था। और इसके बाद दोस्तों फिर से लेयर पर टैप किया है एंड देन मीडिया पर जाना है। तो जैसे मीडिया पर क्लिक करेंगे ये वाला टेम्पलेट आपको ऐड कर लेना है। इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको सेलेक्ट करके रखना और स्प्लिट स्क्रीन में जाना है गाइस नीचे स्क्रॉल करके, और स्प्लिट स्क्रीन में इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। इसको फुल स्क्रीन कर लेना है गाइज स्प्लिट स्क्रीन में जाकर, है ना। तो उसके बाद यहाँ क्रोमा की पर टैप करना है। क्रोमा की पर टैप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से इस वाले बटन पर क्लिक करना है और इसे इनेबल कर देना है। यहाँ इससे क्या होगा कि ब्लू कलर का जो स्क्रीन है वो गायब हो जाएगा गाइज। अब आपको इमेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है लेयर को एंड इसको छोटा करना है, जो हमने इमेज ऐड की थी उस वाले लेयर सेलेक्ट करके, और इसको सेलेक्ट करना है। ये छोटा कर दिया मैंने, जो इस वाले फ्रेम में जो वॉच वाला फ्रेम है उसमें हमको इसको एडजस्ट करना है गाइज। तो देखिए इस तरह से क्रॉपिंग में जाकर इसको इनेबल करना है और शेप को भी ये सेकंड नंबर वाला चेंज कर देना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको एडजस्ट कर देना है। इसका फीदर भी बढ़ा देते हैं 10 के आसपास कर देना है। तो इसका फीदर कर दिया मैंने 10 और ये देखिए इसको एडजस्ट कर दिया अच्छे से। इसके बाद यहाँ लेयर पर क्लिक करके मीडिया में जाना है और ये वाला लिरिक्स वीडियो ऐड कर लेना है। इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके गाइज आपको यहाँ ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है और यहाँ से स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है आपको। जैसे स्क्रीन सेलेक्ट करेंगे आपको इसको थोड़ा सा रोटेट करना है एंड थोड़ा सा बड़ा साइज कर देना है लिरिक्स का। और यहाँ पर मिड में ऊपर की तरफ मिड में आपको इसको सेंटर में यहाँ पर ऐड कर देना है। देखिए इस तरह से एडजस्ट कर देना है, ठीक है। तो लिरिक्स भी ऐड हो चुकी हैं। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपल से फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद आपको लेयर वाले ऑप्शन पर फिर से आपको क्लिक करना है और यहाँ से मीडिया में जाकर दोस्तों आपको ये वाला पार्टिकल वीडियो ऐड कर लेना है। इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको भी गाइज स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से ब्लेंडिंग में जाकर गाइज स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्क्रीन कर दिया है। स्क्रीन करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से वीडियो शो होगा आपका। एंड इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि फिर से लेयर पर जाकर मीडिया में जाना और ये वाला फ्रेम ऐड कर लेना है। इससे क्या होगा, वीडियो काफ़ी अट्रैक्टिव होगा। तो इसको इस तरह से रोटेट करना है और इसको यहाँ पर उस ऊपर वाले कॉर्नर में सेट करके इस कॉर्नर से खींच कर बड़ा कर देना, फिक्स करना है ना, तो बाहर जाना चाहिए या ये जिसके फ्रेम के अंदर रहना चाहिए। ब्लेंडिंग में जाकर इसको हमको स्क्रीन कर देना है। देखिए इससे क्या होगा कि जो आपका वीडियो उसके चारों तरफ वाइट कलर का बॉर्डर बन जाएगा। एंड गाइज ये इस तरह से आपका वीडियो रेडी हो गया है जैसे आपने प्रीव्यू वीडियो में। अब गाइज यदि आप अपने इमेज को ब्लैक मतलब डार्क करना चाहते हैं तो उसके लिए इफेक्ट फिल्टर में जाना होगा और यहाँ से जाना होगा आपको मोनो में। तो यहाँ से आप अपने इमेज को इस तरह से ये ब्लैक कलर का कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका
फ़ोटो भी इस तरह से चेंज हो जाएगा जैसा आपने प्रीव्यू वीडियो में देखा। प्रीव्यू वीडियो में थोड़ा सा डार्क है गाइज, ठीक है। तो ये इस तरह से आप भी अपने इमेज को कर लेना यदि आपको पसंद हो तो, वरना आप कलरफुल भी रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर सेव करने के लिए क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको रेजोल्यूशन सेट करना है और नीचे सेव करने के लिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेव एज वीडियो पर, ठीक है। तो आपका वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये स्टार्ट हो गया, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल। तो गाइस इस वीडियो का एक लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।